हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हो फ्री नॉलेज गेन का वीडियो। हम लोग इस चैनल पे अकाउंटिंग, टैली, जीएसटी, इनकम टैक्स एंड अदर नॉलेजेबल टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स पर आपका टॉपिक टाइप कर दीजिए। और आज का जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80CCC, अंडर सेक्शन 80CCD। तो इस डिडक्शन में हम लोग इस तीन सेक्शन को लेके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको बता देना चाहूँगा ये डिडक्शन होता क्या है। तो मान लीजिए आपके इनकम टैक्स में पूरे साल में आपका जो टोटल इनकम है, मान लीजिए आपका टोटल इनकम है 4 लाख, ठीक है। और 4 लाख में क्या है इंडिया में कि आपको अप टू 2.5 लाख तक आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, यानी कि 2.5 लाख तक आपका छूट है। तो 2.5 लाख को छोड़ के जितना बच रहा है, यानी कि 4 लाख आपका टोटल इनकम है, तो 2.5 लाख लेस करने से क्या हो रहा है ना 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख आपका बच रहा है। तो इस 1.5 लाख के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपका अगर कोई डिडक्शन है, मान लीजिए आपका डिडक्शन है 50,000, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 4 लाख से 2.5 लाख देना है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन, डिडक्ट करना है। तो बच रहा है 1.5 लाख, 1.5 लाख से 50,000 आपका अगर डिडक्शन हो रहा है तो 50,000 उससे लेस हो जाएगा, तो बच रहा है कितना 1 लाख। तो 1 लाख के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऐसे डिडक्शन आपका टोटल टैक्सेबल इनकम से ये लेस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सेक्शंस को देख लेते हैं। जो पहला सेक्शन है अंडर सेक्शन 80C, तो 80C में क्या है, अंडर सेक्शन 80C द मैक्सिमम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट इज ₹1.5 लाख पर एनम, ठीक है। यानी कि 80C में आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। और वो डिडक्शन क्या है, द वेरियस इन्वेस्टमेंट्स दैट कैन बी क्लेम्ड एज टैक्स डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C आर लिस्टेड बिलो। तो वो 80C में क्या क्या है, तो फर्स्ट जो है देखिए PPF, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर किसी भी बैंक में PPF अकाउंट खोलते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो उसमें अब जितना भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे, उसमें जितना भी आप डिपॉजिट करेंगे, वो अमाउंट क्या होगा, आपको 80C में आपको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है EPF, यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड क्या होता है, आप अगर नौकरी करते हैं तो आपको सैलरी मिलता है, तो उस सैलरी में आपका जो PF अकाउंट रहता है, तो उस PF अकाउंट में क्या करना पड़ता है कि एम्प्लॉयज़ भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है। तो उस केस में एम्प्लॉयज़ का जो कंट्रीब्यूट रहेगा, यानी कि आपका जो कंट्रीब्यूट रहेगा सैलरी में PF के लिए, तो उस अमाउंट क्या होगा, उस अमाउंट को आपको 80C में डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 5 ईयर्स बैंक और पोस्ट ऑफिस टैक्स सेविंग डिपॉजिट, यानी कि 5 साल के लिए आप अगर बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में टैक्स सेविंग डिपॉजिट करते हैं, तो उसके लिए भी आपको 80C में डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, यानी कि जो NSC के नाम से जाना जाता है, तो आप अगर NSC करके रखे हैं, तो उस NSC में आप जितना भी कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उसका भी आपको 80C में डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है ELSS म्यूचुअल फंड्स, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। आपका अगर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स है, तो उसका भी डिडक्शन आपको 80C में मिलेगा। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस ट्यूशन फीस, यानी कि आपका अगर चिल्ड्रन है, तो उस चिल्ड्रन के लिए आप जो ट्यूशन फीस दे रहे हैं, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस जो आप दे रहे हैं, तो उस अमाउंट का भी आपको 80C में डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि आपका अगर लाइफ इंश्योरेंस है, तो उस इंश्योरेंस में आप जितना भी प्रीमियम भरते हैं, उस अमाउंट का भी आपको 80C में डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि अकाउंट डिपॉजिट स्कीम। आपका अगर सुकन्या समृद्धि अकाउंट का, यानी कि आपके चिल्ड्रन के लिए ये स्कीम है, तो उस केस में भी आप जितना डिपॉजिट करेंगे, उसका डिडक्शन आपको 80C में मिलेगा। नेक्स्ट है SCSS, यानी कि पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। आपका अगर पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, तो उसका भी डिडक्शन आपको 80C में मिलेगा। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ होम लोन प्रिंसिपल ओनली, यानी कि आपका अगर होम लोन है, तो उस होम लोन में आप जितना भी EMI दे रहे हैं, तो उस EMI में आपका क्या होता है, एक प्रिंसिपल अमाउंट रहता है और एक इंटरेस्ट रहता है, दोनों मिला के आप पे करते हैं। मान लीजिए आपका होम लोन है और आप हर महीना 5,000 करके आप EMI देते हैं, ठीक है। और उस 5,000 में क्या होता है, कुछ प्रिंसिपल रहता है, मान लीजिए 4,000 प्रिंसिपल है और 1,000 आपका इंटरेस्ट है, तो आपको 80C में डिडक्शन कौन सा अमाउंट मिलेगा, जो प्रिंसिपल रहेगा, यानी कि 4,000 आपको 80C में डिडक्शन मिलेगा।
नेक्स्ट है नेशनल पेंशन स्कीम। आपका अगर नेशनल पेंशन स्कीम है तो उसका भी डिडक्शन आपको 80C में मिलेगा। नेक्स्ट है नबार्ड रूरल बॉन्ड्स। आपका नबार्ड रूरल बॉन्ड्स है तो उसका भी डिडक्शन आपको 80C में मिलेगा। नेक्स्ट है स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस फॉर परचेस ऑफ ए न्यू हाउस। यानी आप अगर न्यू हाउस परचेस करते हैं तो उस न्यू हाउस परचेस करने में जितना भी आपका डॉक्यूमेंटेशन रहेगा यानी कि रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो उसका जो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है जितना आपका लग रहा है, तो उस स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस का जो भी अमाउंट है उस अमाउंट का आपको आप 80C में डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये टोटल ऐसे जो भी फिगर है आप 80C में ले सकते हैं, लेकिन टोटल जो आपका अमाउंट होगा वो मैक्सिमम 1.5 लाख होगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा हो भी जाएगा आपका तो आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन क्या है? 80CCC। 80CCC क्या बोल रहा है कि contributions made towards annuity plans available with any of the life insurance companies for receiving pension from the fund can be considered for tax benefit. The maximum tax deduction allowed under this section is ₹1.5 lakhs। यानी कि आप अगर किसी भी life insurance companies में annuity plans करके रखे हैं और उससे रिगार्डिंग आप अगर पेंशन मिल रहा है आपको, तो उस पेंशन का जो भी फिगर है वो आपको 80CCC में डिडक्शन मिलेगा। और इसका जो मैक्सिमम लिमिट है, इसका भी मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख। यानी कि 80CCC में भी आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक ले सकते हैं और 80CCC में भी आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक ले सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 80CCD। 80CCD क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉयज़ कैन कंट्रीब्यूट टू नेशनल पेंशन स्कीम, जो NPS के नाम से जाना जाता है। तो द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कैन बी अप टू 10% ऑफ द सैलरी फॉर सैलरीड और ग्रॉस इनकम इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी कि आप अगर सैलरी इनकम करते हैं, आपका अगर सैलरी मिलता है और आप एक नेशनल पेंशन स्कीम करके रखे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आप जितने भी नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हैं वो आपको 80CCD में आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन कितना मिलेगा? द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कैन बी अप टू 10% ऑफ द सैलरी। यानी कि आपका जो भी सैलरी रहेगा उस सैलरी का 10% कैलकुलेट करके जो फिगर आएगा उस फिगर तक आप 80CCD में ले सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो उतना नहीं मिलेगा। आपका सैलरी का 10% जितना होगा उतना तक आपको मिलेगा। ठीक है, और या तो फिर और ग्रॉस इनकम इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मान लीजिए आपका सैलरी नहीं है, आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है या फिर कुछ और इनकम बिजनेस है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो ग्रॉस इनकम रहेगा उस ग्रॉस इनकम का 10% जितना अमाउंट होगा उस अमाउंट तक आप 80CCD में डिडक्शन ले सकते हैं। उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम 2016-17 एंड एडिशनल टैक्स डिडक्शन ऑफ अप टू ₹50,000 अंडर सेक्शन 80CCD(1)(b) इज अलाउड फॉर एक्सेस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस एंड दिस इज ओवर एंड अबव द लिमिट ऑफ ₹1.5 लाख। यानी कि आप अगर सैलरी इनकम करते हैं और उस सैलरी इनकम में आप नेशनल पेंशन स्कीम में आपका जितना देना चाहिए कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आप इससे ज़्यादा भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आप जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं उस फिगर का भी आपको अलग से 50,000 तक आपको डिडक्शन मिलेगा, जो 80CCD(1)(b) में है। ठीक है, ये तो एक तो हो गया आपका मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख, ये है सैलरी का 10% जितना होगा उस केस में। लेकिन आप मान लीजिए आप उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जितना आपको करना चाहिए था उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस फिगर को भी आप 50,000 तक ले सकते हैं डिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इस सेक्शन में देखते हैं। नेक्स्ट है द डेफिनेशन ऑफ सैलरी इज बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस एनी अदर बोनस। यानी कि यहाँ पे देखिए, ऊपर जो हम लोग यहाँ पे सैलरी का डिस्कशन किए थे कि सैलरी का 10% आपका मिलेगा, तो ये सैलरी कैसे आपका कैलकुलेट होगा ये नीचे डिफाइन कर दिया है। क्या डिफाइन किया है कि आपका सैलरी माना जाएगा सिर्फ बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस एनी अदर बोनस। आप देखते हैं आपका जो सैलरी सेट मिलता है या फिर सैलरी सेट में बहुत सारा आपका इनकम रहता है, जैसे कि बेसिक रहता है, DA रहता है, TA रहता है, HRA रहता है, बोनस रहता है, इतना सारा चीज़ रहता है। लेकिन आपका सैलरी माना जाएगा किसको, सिर्फ बेसिक को माना जाएगा प्लस DA को प्लस बोनस एनी अदर बोनस। तो इन तीनों फिगर को मिला के जो आपका फिगर आएगा वही फिगर को आपको सैलरी माना जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्या बोला है, इफ द एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू पेंशन स्कीम द एंटायर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 10% ऑफ द सैलरी कैन बी क्लेम्ड एज अ टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC(2) एंड दिस इज ओवर एंड अबव द लिमिट ऑफ ₹1.5 lakhs। यानी कि मान लीजिए आप जो सैलरी इनकम, आपका सैलरी इनकम है और आप एनपीएस करके रखे हैं, लेकिन उस केस में आप जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एम्प्लॉयर भी कुछ आपके उस एनपीएस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, एम्प्लॉयर जो आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है उस फिगर का भी आपको 80CC(2) में उसका डिडक्शन मिलेगा, लेकिन ये कितना मिलेगा, मैक्सिमम 10% ऑफ द सैलरी, आपका सैलरी का जो 10% होगा उस फिगर तक मिलेगा। मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर आपके एनपीएस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है ₹40, ठीक है, लेकिन आपका जो सैलरी है उस सैलरी का 10% हो रहा है ₹30, तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है ₹40, लेकिन आपको ₹40 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, ₹30 मिलेगा। क्यों, क्योंकि सैलरी का 10% आपका हो रहा है ₹30, तो ऐसे ही आपको इस ₹30 मिलेगा। एंड ये फिगर क्या होगा ना, दिस इज ओवर एंड अबव द लिमिट ऑफ ₹1.5 lakhs, यानी कि ये जो लिमिट है 1.5 लाख तक है, लेकिन 1.5 लाख तक है, इसके अलावा आपको ये मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये वाइटल पॉइंट है, इसको गौर से देखिएगा कि इट इज़ टू बी काइंडली नोटेड दैट द टोटल डिडक्शंस अंडर सेक्शंस 80C, 80CC(d) एंड 80CC पुट टुगेदर कैन नॉट एक्सीड ₹1.1 lakh 50,000 फॉर द फिनेंशियल ईयर 2017-18। यानी कि 2017-18 के लिए ये जो तीनों सेक्शन है 80C, 80CC(d) एंड 80CC, इन तीनों सेक्शन को मिला के आपका टोटल डिडक्शन आपको मिलेगा 1,50,000 तक, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। तो सेपरेटली हर सेक्शन में आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक मिल रहा है, लेकिन आपका तीनों सेक्शन मिला के जो फिगर आएगा वो फिगर भी आपका होना चाहिए 1.5 लाख तक, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सेक्शंस आपको समझ में आ गया है। अगर कोई किसी पे प्रॉब्लम है या फिर कुछ क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे इस चैनल को फ्री नॉलेज गेन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा राइट साइड पे एक बेल आइकन का बटन होगा, उस पर जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि उस पर क्लिक करने से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों आज यहीं तक, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।